हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी इंडियन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्रत के लिए बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी आलू की नमकीन, जिसे आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नमकीन बनाना। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज के आलू ले लिए हैं, जिन्हें हम छील कर बड़े वाले छेद से आलू के लंबे लंबे लच्छे निकालेंगे। आलू से सारे लच्छे बन के तैयार हैं। अब हम इन्हें कई बार पानी से धुलेंगे, जब तक कि इनका पानी पूरी तरह से साफ ना हो जाए। यहाँ पर मैंने आलूओं के पानी को 4 से 5 बार बदला है। अब पानी पूरी तरह से साफ हो गया है। अब लच्छों को किसी टॉवल या कॉटन के कपड़े में डाल देंगे और फिर इन्हें पूरी तरह से फैला देंगे, ताकि इनका पूरा पानी अच्छी तरह से सूख जाए। लच्छों के ऊपर से भी हम टॉवल से धीरे धीरे लच्छों को पोंछेंगे, ताकि ऊपर से भी ये जल्दी से सूख जाए। लच्छे पूरी तरह से सूख चुके हैं। इन्हें मैंने पंखे के नीचे 20 मिनट के लिए रखा था। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब कढ़ाई को गर्म करके 4 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। आप नॉर्मल तेल भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर व्रत के लिए बना रही हूँ। अब हम घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। घी काफ़ी गर्म हो गया है। हाई फ्लेम में थोड़े से लच्छों को डालेंगे। लच्छों को डालने के 1-2 मिनट बाद हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। जैसे जैसे आलू के लच्छे फ्राई होते जाएंगे, वैसे वैसे ही ऊपर तैरने लगेंगे। पर अभी हमारे लच्छे पूरी तरह से पके नहीं हैं। अभी हम इन्हें और भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। लच्छे प्रॉपर तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे लच्छों को फ्राई कर लेंगे। फिर हम उसी घी में मूंगफली के दानों को भी डाल के फ्राई करेंगे। दानों को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। दानों को ज्यादा फ्राई नहीं करना, वरना इनसे कड़वापन आने लगता है। दाने फ्राई करते समय जब दाने खुलने लगे, तब आप इन्हें निकाल लें। फिर हम उसी घी में ड्राई फ्रूट को भी फ्राई करेंगे। इन्हें भी हम 1 से 2 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे। फिर इसी घी में मैं थोड़ी सी करी पत्तों को भी डालूंगी। करी पत्ते ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। करी पत्ती को भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को एक प्लेट में एक साथ निकाल लिया है। अब इन्हें हम पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। फिर हम नमकीन को किसी डिब्बे या टिफिन में एक साथ सारी डाल देंगे। यहाँ पर आप सेंधा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डाल दीजिए। फिर हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यदि आप बिना व्रत के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला भी डाल दीजिए। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो इसे लाइक दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।